हेलो, देखिएगा, देखो इस पेड़ पे कितने सारे बैंगन आ रहे हैं। फिर दोबारा से आ रहा है ना, एक दिन तो बंदर तोड़ के देगा इतने सारे बैंगन जो आ रहे थे इसके ऊपर। और अब है ना, छुपे छुपे से हैं जो ये हैं, अगर बंदर को पता चल गया ना तो फौरन ही ले जाएगा तोड़ के। देखो ये रहा है, जब फल आता है ना पेड़ पे तो कितना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखो, दिल खुश हो जाए देख के। और भी हैं, उनपे नहीं आते इतना, बस इसी के ऊपर। देखो ये छुटका सा, बिल्कुल इतना सा मुन्ना, कितना अच्छा लग रहा है। भाई के घर में काम हो रहा, जहां जहां से पुट्टी उतर गई थी ना तो वो पुट्टी कर रहा है अंदर। ये देखेगा, अमरीन के पापा लेके आ गए बथुआ। और क्या कहते हैं, बस मुझे ठंड लग रही थी बहुत, मैंने सोचा ये सब सामान आया, क्योंकि यहाँ पे बाजार लगता है और मैंने भी मंगा लिया था इतना सारा सामान। ये मैंने मटर भी निकाल लिए और ये शकरकंद भी लेके आए, मतलब बहुत सारा सामान लाया, आलू वगैरह सब। और मैं भी मंगा चुकी थी, ये रखा इतना सारा सामान। चलो जी, खैर कोई बात नहीं, घर में तो जितना हो उतना ही कम रहता है। और मैं इसके बनाऊंगी बथुए के पराठे बनाऊंगी। बस यही है कि ज़्यादा तो वो खाते नहीं, हल्का फुल्का सा डाल के बना लूँगी बथुए के पराठे। चलिए इसको साफ़ कर लेती हूँ, अभी तो यही हुआ है साफ, ये वाला करना बाकी है अभी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा, आलू और है ना मटर। ये सालन बनाने जा रही हूँ मैं। ये कीमा है, ये मटर है, ये हरा धनिया, हरी मिर्च काट ली, और ये है आलू। और मसाला मेरा भुन ही रहा है, भुनने वाला है। ये देखिएगा मसाला मेरा भुन चुका है, मैं इसमें डाल देती हूँ कीमा। ये देखिएगा कीमा डाल चुकी हूँ मैं मसाले में, अब इसको भून दूँगी थोड़ा सा चला कर। मैं इसको बंद ही कर देती हूँ, कुकर को बंद कर देती हूँ और बस। ये देखिएगा आटा भी मैंने छान लिया, मैं आटा भी गूंद लूंगी, आटा भी गूंद जाएगा मेरा। और है ना अभी इसका ये पूरा नहीं हुआ, ये देखिएगा ये हमारा भून चुका है, मैं इसमें डाल देती हूँ मटर। ये देखिएगा कीमा मटर बिल्कुल अच्छे से भून चुका, बहुत ही अच्छे से भून चुका है। मैं इसमें आलू डाल देती हूँ, बहुत ही इजी सा सालन बन के बहुत अच्छा टेस्टी तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा मैं आलू गलने के लिए इसमें डाल देती हूँ पानी। बस हमने इसको बंद कर देती हूँ। देखिएगा मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। तो ये हमारा भुन चुका मसाला, अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू। पता नहीं इनको क्या हो रहा है कि जो भी मैं बनाती हूँ खाते ही नहीं। मैंने आलू डाल दिए और मैं आज बनाऊंगी थोड़ी सी रसेदार वाली सब्जी, क्योंकि इनसे खाया नहीं जा रहा। भुना भुना बनाऊँ तो भी नहीं खाया जाता, क्योंकि थोड़े से दांतों में प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए। चलिए, और दूध भी गर्म मैंने कर लिया था, तो भाई हम मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। देखिएगा सालन बनकर हो गया है तैयार, आ जाइए खा लीजिए। और मैं बनाऊँगी अब रोटी। देखिएगा ये कल की बेसन की क्या आटे बेसन का आटा है, ये मैंने कल जो बनाई थी ना बेसन रोटी, तो ये उसके बचे हुए थे पेड़े, तो मैं इसकी रोटी बना लेती हूँ। और बस सालन मेरा हो गया है रेडी। चलिए बस अब आ जाइए खा लीजिए गरम गरम रोटी। सब भाइयों का अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब भाई? ठीक हो? हुप्पो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से शेयर करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक थैंक यू।
लाइक आ गया यूं कही है चल। अस्सलाम वालेकुम, उप्पा कैसी हो? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू। तो एवरीवन ये देखिए, ये सब कुछ स्टिचिंग हो गई है, तैयार हो गया है सब कुछ। और ये जो मेरी चाची हैं उन्होंने बनाए हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे बनाए हैं ये बिस्तर, क्योंकि उनके यहाँ पर छोटा बेबी आने वाला है, इसलिए उन्होंने छोटे बेबी के लिए सब तैयारी कर ली है। तो ये बिस्तर बनाए हैं उन्होंने, देखिए कितने प्यारे प्यारे बनाए हैं। ब्लैंकेट्स भी बनाए हैं क्योंकि अब ठंड इतनी है, तो इसके लिए उन्होंने सब कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह सब कुछ रेडीमेड सा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से टाइगर प्रिंट में भी इन्होंने बनाया है, ये जैकेट बनाई है टाइगर प्रिंट में। और ये इस तरह से एक बिस्तर ये बनाया है पूरा, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ये पूरा कैप वाला रैपर जो होता है बच्चे का, इन्होंने खुद बनाया है चाची ने, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह सब कुछ। और ये छोटी सी जैकेट बनाई है, आप लोग भी बताइएगा कैसा लगा।